जनपद संभल के चंदौसी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। जनपद संभल के चंदौसी रोडवेज स्टेशन चंदौसी पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर कार्य किया गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे, राष्ट्रीयकृत भागों पर निजी संचालन का विरोध, नोएडा सहित 206 मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने, वर्ष 2001 के संविदा चालक परिचालकों को नियमित करने की सरकार को चेताया, अगर सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 19 फरवरी को शहर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया जाएगा। मेरा अनिल कुमार मिश्रा नाम है, मैं यहाँ स्टेशन इंचार्ज हूँ। आज आपने निजीकरण के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि हमारे पिछले लगभग 4 महीने से निजीकरण जो सरकार कर रही है, डग्गामारी चालू है। संविदा कर्मचारियों का 2001 तक के वादा करने के बाद में 1 साल से प्रक्रिया चल रही है, उन्हें रेगुलर नहीं किया गया है। इस बारे में हमारा 2 बार कार्यक्रम और भी हो चुका है। आज का कार्यक्रम हमारा ड्यूटी करते हुए काला फीता बांध कर है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो 19 फरवरी के लिए हम लोगों का मशाल जुलूस होगा। आगे कार्यक्रम भी और हमारे लोकतंत्र के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज भी हम जो है कोई भी हमारा जाम नहीं है, कोई भी किसी यात्री को परेशानी नहीं है और हम काम करते हुए केवल विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं।